नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आपने बात किया था पूरे 14 पाठ को, यानी पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व को अपने पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया था और बहुत सारी ट्रिकों के साथ समझा था ताकि अपने को वनस्पतिक जो नाम है वो भी आसानी से याद रह जाए। अब अपने को इस वीडियो में करने हैं इसके सारे प्रश्न उत्तर। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपने चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है तो आप सारे प्रश्न उत्तर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने पूरे चैप्टर को नहीं समझा है तो पहले आप चैप्टर को अच्छी तरह समझिएगा। कोई भी चैप्टर करते हैं तो पहले चैप्टर को समझने के बाद में उसको क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। इसी तरह अपन भी इस वीडियो में करेंगे, जो 14वां पार्ट है उसके सारे प्रश्न उत्तर बहुत ध्यान से और बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको प्रश्न उत्तर में काफी मदद मिलेगी। देखते हैं, जो पहले प्रश्न है बहुचयनात्मक, यानी चार ऑप्शन वाले प्रश्न है। इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसको ऑप्शन के हिसाब से उत्तर दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, क्या कि आपको यह पता चले कि कौन से प्रश्न का उत्तर किस हिसाब से लिखना है। बहुचयनात्मक प्रश्न कौन से होते हैं जिसमें चार ऑप्शन दिए होते हैं, जो आपके इस बार में पहला प्रश्न आने वाला है उसके अंदर आप देखते हैं। बहुचयनात्मक प्रश्न सबसे पहले देखो, पहला प्रश्न है कौन सा पादप अनाज नहीं है। अब ये जो ऑप्शन है आप उत्तर ऑप्शन के हिसाब से दे सकते हो इस प्रश्न का। तो इसके अंदर एक लिखा हुआ है चना, तो चना क्या अनाज होता है क्या? नहीं होता है। चना क्या होता है? दाल होता है। बाकी सारे ऑप्शन दे रखे हैं वो अनाज के हैं, लेकिन चना अनाज नहीं होता है। दूसरा प्रश्न दे रखा है इमारती लकड़ी या काष्ठ पादप का कौन सा भाग है, तो अपने यहां पर ऑप्शन के हिसाब से ही आपने पढ़ा था ये क्या होता है, द्वितीयक जाइलम। क्या होता है? द्वितीयक जाइलम। बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तीसरा जो प्रश्न दे रखा है अफीम का कौन सा भाग औषधीय महत्व का है, यानी अफीम के कौन से भाग से अपना औषधि प्राप्त करते हैं, तो अपने यहां पर पढ़े थे फल से प्राप्त होने वाले औषधीय पादप, तो ये क्या होता है अफीम कौन से भाग से प्राप्त होता है, पादप के फल से। फल में क्या होते हैं, छोटे छोटे फल लगते हैं बेर जितने, उसके अंदर से जो दूध निकलता है उससे प्राप्त किया जाता है, तो वो किसके अंदर से निकलता है, फल से। अगला जो प्रश्न है राजस्थान का राज्य वृक्ष, ऑप्शन के हिसाब से यहां पर इसका वनस्पतिक नाम लिखना है। वैसे आपको पता होगा राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी, लेकिन खेजड़ी को अपन याद कैसे रखते हैं, अब यहां पर अपन ट्रिक याद करेंगे। खेजड़ी क्या है? 100 पीस, यानी 100 पीस सिनेरी, तो यहां पर आपको याद रखना है 100 पीस सिनेरी है, तो आपको 100 पीस से याद रहा प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, या आपको सीधा प्रश्न पूछे तो आप खेजड़ी भी लिख सकते हो। ऑप्शन में क्या है, अगर ऑप्शन वनस्पतिक नाम दिए हुए तो आपको यही लिखना है, और आपसे पूछा भी जा सकता है सीधा वनस्पतिक नाम लिखे तो आप लिख सकते हो प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है, जो खेजड़ी को कहते हैं। इसका अगला जो प्रश्न है पुष्पकर्म से प्राप्त सब्जी का नाम लिखना है। एक ही सब्जी अपने पढ़ी थी जो पुष्प से प्राप्त होती है और उसका नाम ही पुष्प से ही है, यानी पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल, और नाम क्या हो गया, फूल गोभी। क्या नाम होता है? फूल गोभी, जो किससे प्राप्त होती है, फूल से, यानी पुष्पकर्म से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, यहां पर भी मैंने आपको बताया था मधुमक्खी पालन जो कहलाता है वो कहलाता है एपिकल्चर। क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन कहलाता है एपिकल्चर, कहलाता है मधुमक्खी पालन। अगला है मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है, हालांकि आपके चैप्टर में नहीं दिया हुआ है फिर भी प्रश्न आया, लेकिन मैंने आपको चैप्टर में यहां समझाया था कितने प्रकार की, 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। अब आपको मैंने बताया था कौन कौन सी, एक होती है रानी मधुमक्खी, दूसरी होती है श्रमिक, और एक होती है तीसरी कौन सी, सैनिक। रानी, श्रमिक और सैनिक, ये 3 प्रकार की मधुमक्खियां इसके अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है रेशम प्राप्त होता है, अब इसका ऑप्शन आपको चार ऑप्शन के हिसाब से देना है, तो रेशम जो प्राप्त होता है वो कोकून से होता है, किससे, कोकून से रेशम प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न है मुर्गी पालन का प्रमुख उत्पाद क्या है, तो मुर्गी पालन का प्रमुख उत्पाद होता है अंडा, यानी अंडे, अंडे मुर्गी पालन से सबसे ज्यादा प्राप्त किया जाने वाला उत्पाद है वो है अंडा, ठीक है। तो ये थे इसके सारे के सारे बहुचयनात्मक प्रश्न, यानी ऑप्शन से आपको उत्तर देने थे, बहुत ही आसान से। अब देखो चैप्टर अपने समझ रखा था तो बहुत ही आसान से अपन इसके उत्तर लिख सकते हैं।
अब देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी जिसका एक शब्द में या फिर एक लाइन में आंसर होता है, जो आपके एग्जाम के अंदर एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, रबी की फसलों के रूप में बोए जाने वाली एक अनाज का नाम लिखिए। एक ऐसे अनाज का नाम लिखना है जो रबी की फसल में बोया जाता है, और सबसे पहला ही नाम आपने पढ़ा था गेहूं। गेहूं कौन सी फसल है? गेहूं एक रबी की फसल है। गेहूं कौन सी है? रबी की फसल। इसका नाम कैसे याद रखा था आपने? ट्रिक क्या थी? गेहूं टी एक्स्ट्रा, यानी टी डी कम एस्ट्रा इवम, ठीक है। तो रबी की फसल कौन सी अनाज? बाकी जो अनाज है सारे, जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये क्या है? खरीफ की फसल। रबी की फसल एक ही है अपने अनाज के अंदर, जो आपकी बुक के दे रखा है, बुक में दिया हुआ है उसके अनुसार एक ही है, वो है गेहूं। उसके बाद दूसरा है, गेहूं की दो उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। गेहूं की उन्नत किस्म, अब गेहूं को कैसे याद किया था उन्नत किस्म है? जिसके नाम के आगे सोना आता है, जैसे सोनालिका, सोनालिका, दूसरा कल्याण सोना, कल्याण सोना, सार्वती सोनारा, जैसे ये नाम आए सोना, उसके अंदर क्या है, वो कौन सी नस्ल थी, किसकी अच्छी किस्में थी? गेहूं की, सोनालिका और कल्याण सोना। इसके बाद अगला है, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त दाल का नाम लिखिए। ऐसी दाल जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कौन सी दाल थी? सोयाबीन। सोयाबीन जो दाल है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सभी दालों में वैसे तो प्रोटीन पाया जाता है, दालें जितनी भी होती है सभी में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक होता है वो सोयाबीन के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, जड़ व तने से प्राप्त दो दो सब्जियों के नाम लिखिए। ऐसे सब्जियों के नाम लिखने हैं जड़ से, तो पहला देखो अपन लिखते हैं जड़ से। जड़ से कौन कौन सी होती है? जड़ से तो आपको अच्छी तरह याद ही होगा, गाजर और मूली। गाजर और मूली दोनों ही क्या है? जड़ से प्राप्त है। और तने से प्राप्त यानी तने के रूप में कौन कौन से होते हैं? तने में एक तो आपको याद होगा आलू, दूसरा क्या है? अरबी। आलू और अरबी दो सब्जियां हैं जो तने से प्राप्त होती है, और जड़ से कौन सी होती है? गाजर और मूली जड़ से प्राप्त होती है, ठीक है, अच्छी तरह आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है, इमारती कास्ट किसे कहते हैं? देखो इमारती कास्ट किसे कहते हैं, तो देखो वह कास्ट, कास्ट मतलब लकड़ी, वह कास्ट जिससे क्या है? फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाए जाते हैं। यानी जिन लकड़ियों से या जिन कास्ट से, जिस कास्ट से फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाए जाते हैं, उसे अमर इमारती कास्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इमारती कास्ट। अच्छी तरह याद रखना, जिस कास्ट से अपने को क्या क्या फर्नीचर, खिड़कियां, दरवाजे आदि बनाए जाते हैं, उस कास्ट को कहते हैं इमारती कास्ट कहते हैं। अगला है, दो औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। वैज्ञानिक नाम, अब वैज्ञानिक नाम आप लिख सकते हो जो आपको याद हो। औषधीय पादप अपने बहुत सारे पढ़े थे, जिसमें से भी जो दो याद हो, सबसे पहले देखो अपन लिख लेते हैं, आपने याद किया था हल्दी। हल्दी को कैसे याद किया था? कौन से हल्दी को याद किया था? हल्दी जो थे कुरकुरे थे, कौन से? लौंग वाले। तो अपने को याद आया कुरकुरा, कुरकुरा से कुरकुमा, और लौंग से लौंगा, कुरकुमा लौंगा। और दूसरा आप चाहे तो उसका लिख सकते हैं, अदरक का लिख सकते हैं, चाहे तो आप किसका, इसके बाद है लहसुन का भी लिख सकते हैं। लहसुन भी क्या है? एक औषधीय पादप है। लहसुन का नाम सिंपल है, क्या था? एलियम सेटाइवम। और अगर अदरक का लिखना चाहे तो जिंजीबर ऑफिसिनेल, जिंजीबर ऑफिसिनेल। तो अपन यहां पर लिख लेते हैं लहसुन का, जो आपको सिंपल लगे वो लिख ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ये दो 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 लिखे हैं वही आपको लिखना है, आप कोई से भी औषधीय पादप लिख सकते हैं। तो है एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम लहसुन का नाम होता है, ठीक है। आप चाहें तो अदरक का लिख सकते थे, जिंजीबर ऑफिसिनेल। अगला जो है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राज्य पुष्प यानी राज्य फूल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प मैंने आपको बताया था चैप्टर के अंदर, रोहिड़ा।
कौन सा है? रोहिड़ा जो पुष्प है, रोहिड़े का पौधे अपने लिखा था, वो रोहिड़े का जो पुष्प होता है, फूल होता है, वो राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसके बाद है भैंस की दो अच्छी नस्लों के नाम लिखिए, भैंस की दो अच्छी नस्लों के नाम लिखिए। तो अपने भैंस की अच्छी नस्ल पढ़ा था जाफराबादी, मुर्रा, आप इन दो का नाम लिख सकते हैं। चाहे आपको जो भी याद हो आप उनका भी लिख सकते हैं, जितनी भी है उनमें से आपको कोई भी दो याद हो वो लिख सकते हैं। अगला है मधुमक्खी पालन के दो उत्पाद कौन कौन से, मधुमक्खी पालन से अपने दो उत्पाद कौन से प्राप्त करते हैं? एक तो होता है शहद, या जिसको मधु भी कहते हैं, और दूसरा जो है ये पहला, और दूसरा कौन सा होता है? मधुमोम। पहला है शहद या मधु, दूसरा होता है मधुमोम, भी किससे प्राप्त किया जाता है? मधुमक्खी पालन से। अगला है रेशम कीट किस वृक्ष की पत्तियों पर पाले जाते हैं? आप बताएंगे रेशम कीट कौन सी पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो आपको अच्छी तरह याद ही है कौन सा, शहतूत का पेड़ जो होता है। शहतूत के पेड़ पर, या शहसूत कहते हैं, या शहतूत, उसके पेड़ पर इसको पाला जाता है। अगला है जो अति लघुतात्मक प्रश्न, मछली पालन के लिए कौन सा जल उपयुक्त होता है? तो मछली पालन कौन से, मीठे पानी में या खारे पानी में? मीठे पानी में। मीठे पानी को बोलते हैं अलवणीय जल। अब देखो इसको अलवणीय जल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई लवण नहीं घुले होते। खारा पानी कौन सा होता है, जो जैसे समुद्री पानी है उसके अंदर बहुत सारे लवण होते हैं, ठीक है, इसलिए वो खारा होता है। मीठे लवण को कहते हैं अलवणीय जल भी कहा जाता है। इसके बाद है अगला मुर्गी पालन को क्या कहते हैं, मुर्गी पालन का एक और नाम पढ़ा था आपने कुक्कुट पालन, क्या पढ़ा था? कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन था दूसरा नाम मुर्गी पालन का। और अगला जो प्रश्न है लास्ट अति लघुतात्मक का, भेड़ की एक देसी नस्ल का नाम लिखिए, भेड़ की एक अच्छी देसी नस्ल, तो कौन सी थी? आपने पढ़ा था लोही। आपको आपने बहुत सारी अच्छी नस्लें पढ़ी थी, उसके अंदर आपको जो भी याद है वो लिख सकते हैं। सबसे सिंपल जो आपको याद रह जाए वही आपको लिख देना है उनमें से। तो ये थे इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखो ये प्रश्न आपको ऐसे बताते हैं कि जरूरी नहीं है यही आपके बोर्ड के अंदर है, इसमें से आपको इसके जैसे प्रश्न, जैसे मान लो पहला प्रश्न है आपको पूछा है रबी की एक फसल, वहां पूछ सकते हैं खरीफ की दो फसल या एक फसल। अब यहां से दूसरा प्रश्न है गेहूं की दो उन्नत, जैसे मक्के की पूछ ली, एक बार एग्जाम में मक्के की पूछ ली थी, चावल की, इनकी पूछी जा सकती है, जो आपके बुक के अंदर दे रखी है उन्हीं में से ही पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि बाजरे की दही नहीं रखी तो बाजरे की पूछ ले, ऐसा नहीं पूछेंगे। अगला है सर्वाधिक प्रोटीन युक्त दाल कौन सी है, जैसे इस तरह के पर्सन है, आपको अच्छी तरह याद करने, अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि सारे पर्सन आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए, ताकि साइंस के अंदर आपका जो टारगेट है, आपने जितने भी मार्क्स की टारगेट सेट किया है उससे आप अच्छे ही अंक प्राप्त कर पाओ। तो ये थे इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसके बाद में अपन देखते हैं अब लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न में सबसे पहला जो प्रश्न है यानी 2300 प्रश्न, अनाज उत्पादक दो पादपों के वनस्पतिक नाम लिखिए, यानी उन पादपों के, अनाज प्राप्त होने वाले पादपों के वनस्पतिक नाम लिखने हैं। तो बहुत ही आसान सा, अनाज के अपन चार पादप पढ़े थे, अपने को चारों अच्छी तरह याद है, ठीक है, अपन कोई भी दो लिख सकते हैं। जैसे पहला मैंने लिखा गेहूं, गेहूं कौन सी फसल है, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ये रबी की फसल है, क्योंकि थोड़ा बड़ा आंसर है तो ये लिख देंगे। गेहूं का वनस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्ट्राइवम। कैसे याद किया था, गेहूं क्या करना है, गेहूं के साथ टी एक्स्ट्रा, टी एक्स्ट्रा मतलब ट्रिटिकम एस्ट्राइवम। और दूसरा याद किया था चावल, चावल को क्या करो और सेट करो, यानी चावल का नाम होता है ओराइजा सटाइवा। ये किसकी फसल है, ये खरीफ की फसल है, ये किसकी फसल है, खरीफ की, ठीक है। तो आपके दोनों नाम लिखने, उनके वनस्पतिक नाम भी आपने साथ में ही लिख दिए, चावल का होता है ओराइजा स्टाइवा और गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम। इसके बाद अगला जो प्रश्न है लघुतरात्मक, चार मसाला उत्पादक पादपों के नाम लिखिए। मसाले में बहुत सारे अपने नाम पड़े थे, उसके अंदर आपके जय जो मर्जी है चार नाम लिख दो, जैसे चार लिखे हैं हल्दी, काली मिर्च, सौंफ, धनिया, अपन और भी लिख सकते हैं जैसे जीरा हो गया, ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं, दालचीनी हो गया, बहुत सारे नाम है अपने पास, कोई भी, धनिया हो गया, और
इस तरह के अपन नाम लिख सकते हैं, चार नाम लिखने हैं तो चारों लिख दिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, कास्ट किसे कहते हैं? एक इमारती कास्ट उत्पादक पादप का नाम लिखिए, कास्ट किसे कहते हैं? देखो अपने पास इमारती कास्ट नहीं पूछा, सिर्फ कास्ट किसे कहते हैं, तो सिर्फ कास्ट कहते हैं बहुवर्षीय, यानी बहुवर्षीय द्विबीजपत्री एवं अनावर्ती बीजों को, बीजों में बनने वाले द्वितीयक जाइलम को क्या कहते हैं? कास्ट कहते हैं। ऐसे जो पेड़ जो बहुवर्षीय होते हैं, मतलब जिनकी उम्र बहुत बड़ी होती है, ठीक है, दो तीन साल नहीं होती है, बहुत बड़ी उम्र होती है जिनकी। दूसरा है द्विबीजपत्री, उसके अंदर बीज के दो भाग होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? अनावर्त बीजी, बीजों का ऊपर कवर, मतलब कवर बीजी जो होते हैं, वृक्षों में बने द्वितीयक जाइलम, उन वृक्षों से बने द्वितीयक जाइलम, मतलब जो लकड़ी बनती है उससे, उसको अपन क्या कहते हैं? कास्ट कहते हैं, ठीक है। इमारती कास्ट उत्पादक कौन कौन से हैं? जैसे मैंने एक नाम लिखा है सागवान, आप चाहें तो खेजड़ी या जो भी आपको नाम हो वो लिख सकते हैं। मैंने लिखा है सागवान, सागवान का नाम क्या होता है? टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस सागवान का वनस्पतिक नाम होता है, दोनों ही लिखना है आपने, ठीक है। यहाँ पूछा है नाम तो साथ में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ सागवान लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसने ये नहीं कहा है कि वनस्पतिक नाम भी साथ में लिखूं। इसके बाद अगला प्रश्न है, औषधीय महत्व के दो पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। ऐसे दो पादपों के नाम लिखने हैं जो औषधीय महत्व यानी दवाई प्राप्त करने के नाम होते हैं। अभी अपने लिखे थे, पहले भी एक प्रश्न आया था उसमें भी लिखे थे, सेम ही नाम लिख देंगे। जैसे औषधीय पादप मैंने यहाँ लिखा है, एक तो हल्दी, हल्दी को अपने कुरकुमा लौंगा बोलते ही हैं। दूसरा मैंने इस बार अदरक लिखा है, अदरक का नाम होता है जिंजीबर ऑफिसिनेल, जिंजीबर ऑफिसिनेल दोनों आप नाम लिख देंगे तो ये औषधीय महत्व के दो पादप हो गए। तो इस तरह से आप इसके लघुतरात्मक प्रश्न है वो इस तरह से आपको करने हैं, बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, क्योंकि चैप्टर आपने बहुत ही अच्छी तरह सीख रखा है, तो प्रश्न भी आप इसके उत्तर भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला जो लघुतरात्मक प्रश्न है उसके अंदर देखते हैं, दिया हुआ है तेल उत्पादक दो पौधों के नाम लिखिए, जो तेल उत्पादन करने वाले दो पौधे हैं उनका आपको नाम लिखना है। तो अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था तेल उत्पादन वाले, तो तेल उत्पादन कौन कौन से थे जिसके अंदर अपन लिख सकते हैं? जैसे भोज्य पदार्थों में अपने पढ़ा था तेल के अलग अलग पड़े थे, ठीक है, उसमें से जो आपको याद हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे नारियल का, मूंगफली का, कुछ अपने पढ़े थे भोजन के रूप में काम लेने वाले, कुछ खाद्य, कुछ अखाद्य, ठीक है, और कुछ अपन संबंधित है सुगंधित, यानी सुगंध से संबंधित वो सारे पौधे पढ़े थे, इसमें आपको जो याद हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला है, पशुपालन क्यों आवश्यक है, पशुपालन की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो अपने को वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने की किताब के अंदर से देखने की जरूरत ही नहीं, अपने को याद है, पशुओं से अपने बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है, जैसे दूध हो गया, ठीक है, अंडे हो गए, मांस हो गया, और कई तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें इनसे प्राप्त होती हैं, ठीक है, जिनके लिए क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। और अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था पशुपालन अर्थव्यवस्था में भी अपनी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भी बहुत सारे पदार्थ इनसे प्राप्त किए जाते हैं पशुपालन के लिए, इसलिए क्या है? पशुपालन से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए क्या है? पशुपालन बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। देखो कौन कौन से, दूध हो गया, मांस हो गया, अंडे हो गए, ऊन हो गए, ये प्राप्त किए जाते हैं, तो पशुपालन का अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, पशुओं से हमें बहुत उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, कई तरह के अन्य भी उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला, रेशम प्राप्त करने की विधि को समझाइए, रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है उसको, तो अपने को पता है रेशम के अंडों से क्या होता है, सबसे पहले उन्हें अंडों से लार्वा बाहर आता है, क्या आता है? लार्वा, लार्वा जैसे ही क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। लार्वा के अंदर दो ग्रंथियां पाई जाती है, लार ग्रंथि जिसको रेशम ग्रंथियां भी कहा जाता है, लार्वा के अंदर दो ग्रंथियां पाई जाती है जिसको रेशम ग्रंथि भी कहा जाता है, वो क्या करता है? लार उत्पन्न करता है। जब वो लार हवा के संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। जो सबसे पहले अंडे से लार्वा बाहर निकलता है उसको कैटरपिलर कहा जाता है, अच्छी तरह याद रखिएगा, कैटरपिलर कहा जाता है, जो लार्वा अंडे से बाहर आता है उसको सबसे पहले कैटरपिलर कहा जाता है। अब जब वो पूरा विकसित हो गया है तब वो क्या कर देता है? भोजन करना प्रारंभ कर देता है और अपने चारों तरफ क्या बना लेता है? कोकून बना लेता है। वो कोकून किसका बना होता है? उसकी लार का, जो रेशम का बना होता है, जिससे क्या है? रेशम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुर्गियों में होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए, मुर्गियों में कौन कौन से रोग होते हैं उनका नाम लिखना है, तो एक हो गया रानीखेत और चेचक और हेजा, चेचक और हेजा। अब जैसे अभी जो चर्चा में चल रहा है, जैसे बर्ड फ्लू है, ये जो रोग है वो आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये, क्योंकि आपकी बुक में तो दिए हुए नहीं है, ठीक है, पर्सन यहाँ पूछा हुआ है तो आप जो याद है वो आप लिख सकते हो, लेकिन होने चाहिए उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि दूसरे पशुओं के अपने लिख दिया, अपने को मुर्गियों का पूछा है तो इसी का ही लिखना है।
इसके बाद देखते हैं अगला जो लघुतरात्मक प्रश्न है, देखो क्या दिया हुआ है, गायों व भैंसों व गायों की दो दो देसी नस्लों के नाम लिखने, नस्ल अपने से बड़ी थी, गाय की भी बड़ी थी और भैंस की भी अच्छी नस्लें बड़ी थी देसी, उनके बारे में। देखो भैंस की जो अच्छी नस्ल है जाफराबादी, मुर्रा, ये अपने पहले भी एक क्वेश्चन आया था उसके अंदर पढ़ा था, जाफराबादी हो गया, मुर्रा हो गया, इस तरह के, ठीक है। गाय की देसी नस्ल कौन सी होगी, गिर हो गया, साहिवाल हो गया, देवकी हो गया, इस तरह से अपन कोई भी दो लिख सकते हैं। जितनी भी पूछे आपको अच्छी तरह याद करनी है नस्लें, इनमें से प्रश्न काफी बार पूछा गया है तो आपको अच्छी तरह याद करनी है। अगला जो लघुतरात्मक अंतिम जो लघुतरात्मक प्रश्न है उसके अंदर दिया है मक्खियों के छत्ते में पाई जाने वाली मधुमक्खियों के नाम लिखिए। मधुमक्खी के छत्ते में तीन प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है, ये अपने पढ़ा था, कौन कौन सी होती है, एक होती है रानी, एक होती है सैनिक और श्रमिक। रानी होती है जो एक ही होती है, पूरे छत्ते की एक रानी मधुमक्खी होती है, बाकी श्रमिक और सैनिक बहुत सारी होती है। श्रमिक का काम क्या है, किसी भी खतरे को आक्रमण को उनसे बचाना, और श्रमिक क्या करती है, शहद इकट्ठा करने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये तो थे सारे लघुतरात्मक प्रश्न। अब है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न देखो बहुत बड़े प्रश्न है, इनके अंदर से इनके शॉर्ट पार्ट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, तो देखो इनके बारे में बात कर लेते हैं किस तरह से आपको इनका आंसर लिखना है। पहला प्रश्न है भोज्य संबंधी पादपों पर एक लिखिए, लेख लिखिए, जो भोजन से संबंधित पादप है उनके बारे में आपको लिखना है। तो भोजन से संबंधित कौन कौन से पादप थे, जैसे आपने बात किया था जो अनाज है, सब्जियां हैं, दालें हैं, ठीक है, और भी मसाले हैं, तेल से संबंधित, तो ये बहुत सारे पादप है, इनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा, अब इनमें से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, अनाज से संबंधित, सिर्फ अनाज से पूछ लिया तो इनसे आपको लिखना है, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो 34वां प्रश्न है निबंधात्मक, उसमें दिया औषधीय पादपों का वर्णन कीजिए। औषधीय पादप यानी जिन पादपों से दवाइयां बनती हैं, उसमें भी अपने पढ़ा था अलग अलग पौधे के अलग अलग भाग से कई तरह के जो भाग होते हैं वो औषधियों के रूप में काम में लिए जाते हैं, जैसे तने से प्राप्त, जड़ से प्राप्त, पुष्प से प्राप्त, फल से प्राप्त, तो इस तरह से अपने बहुत सारे पढ़े थे, आपको उनके बारे में लिखना है। छोटा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया फल से प्राप्त औषधीय पादपों के नाम लिखिए, तो आपको सिर्फ फल वाले ही लिखने हैं। इसके बाद अगला 3500 प्रश्न है रेशे उत्पादक तथा इमारती काष्ठ उत्पादक पादपों का वर्णन कीजिए। जिन पादपों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं और जो पादप इमारती काष्ठ के रूप में पौधे काम में लिए जाते हैं उनके बारे में आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है डेयरी उद्योग पर लेख लिखिए। डेयरी उद्योग जो आपने पढ़ा था, यानी पहले क्या होता था, सिर्फ दूध अपने घर में काम में लेने के लिए किया जाता था, लेकिन आज क्या है, दूध का व्यापार बन चुका है, डेयरियों, बहुत सारी डेयरियां होती है जो दूध का क्या करती है, व्यापार करती है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन में इनके विभाजन को समझाइए तथा इनका महत्व लिखिए। ये देखो विभाजन तो ये रहा, तीन प्रकार की होती है, और इसमें मैंने आपको बताया भी था कि रानू मधुमक्खी एक होती है जो छत्ते का कह सकते हैं हेड होती है, ठीक है, यानी उसी के कंट्रोल में पूरा छत्ता रहता है। दूसरा क्या है सैनिक, किसी तरह का कोई आक्रमण हो जाए, ठीक है, जैसे अपन क्या करते हैं दूसरे अगर मधुमक्खियां उसके छत्ते पे आके रहने नहीं लग जाए, एक भी मधुमक्खी दूसरी नहीं आती है, ठीक है, इस तरह का ध्यान रखना। और श्रमिक क्या करती है, फूलों से शहद इकट्ठा करने का कार्य करती है, और इसके बारे में फिर आपको पूरा इसका महत्व क्या, इनसे कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं वो आपको लिखा हुआ है चैप्टर के अंदर, वहीं से आपको करना है। इसके बाद है रेशम कीट की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताते हुए समझाइए कि रेशम कैसे प्राप्त होते हैं। ये भी अपने बात किया था रेशम की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, किस किस तरह से उसमें परिवर्तन होता है, कौन कौन सी इसकी अवस्थाएं होती है और कैसे रेशम प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अंतिम जो प्रश्न है मछली पालन व मुर्गी पालन के महत्व को समझाइए, यानी आपको मछली पालन कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाती है, और मुर्गी पालन में भी आपको ये लिखना है मुर्गियों से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं और इनके अंदर कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती है। तो इस तरह से आपको ये निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर भी इसी तरह ही देना है। तो ये थे आपके पूरे 14 पाठ के सभी प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।